दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपका RBL बैंक के अंदर अकाउंट ओपन हो चुका है और RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे या तो डेबिट कार्ड मांगा जाता है या तो आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसके बिना इसकी मोबाइल बैंकिंग आपकी चालू नहीं हो पा रही है। तो चिंता करने की दोस्तों कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करने का एकदम हम आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, जहां पर दोस्तों ना तो आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी और डायरेक्ट दोस्तों आपका यहां पर CIF नंबर के थ्रू सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहां पर RBL बैंक के अंदर जब मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, लाइक आप यहां पर NFT, RTGS, IMPS जैसे पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंटली दोस्तों RBL बैंक की तरफ से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाता है और आप चाहो तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसकी मोबाइल बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग के अंदर। तो अगर आप भी RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग पर एक नए प्रोसेस के साथ में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे दोस्तों आपको MPIN बनाना है, वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा और फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कैसे करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप दोस्तों RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आप यहां पर RBL बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आप यहां पर ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में बैंक की तरफ से आपको परमिशंस देखने को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा दोस्तों आप पेज को ऊपर को बढ़ाएंगे। जैसे पेज को ऊपर को बढ़ाएंगे तो RBL बैंक की तरफ से जितनी भी आपको कंडीशंस मिल जाती हैं सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहीं पर दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे आपको इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देना है और इसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों ध्यान रहे कि जब आप इसकी मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके फ़ोन में डला हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में जैसे आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको RBL बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट MPIN का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अपने को मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसलिए हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक कर देंगे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का आपको सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, CIF डेबिट कार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, CIF पैन नंबर के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और CIF एंड पासपोर्ट के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ना तो डेबिट कार्ड है ना तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर CIF एंड पेन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसके बाद में देखेंगे कस्टमर ID और अंडर ब्रैकेट में CIF देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये CIF नंबर कैसे मिलेगा, तो जब आपने RBL बैंक के अंदर अकाउंट को ओपन किया होगा तो वहाँ पर आपको बैंक की तरफ से आपको एक पासबुक प्रोवाइड कराई गई होगी और पासबुक के ऊपर आपको CIF नंबर देखने को मिल जाएगा। तो वही वाला CIF नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना पैन नंबर इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि आपसे जो आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। अब वो वाली OTP दोस्तों आप देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। OTP जैसे दोस्तों आप टाइप कर देंगे आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बाय द वे अगर आपके नंबर पर एक बार भी OTP नहीं जाते हैं तो आप यहाँ पर नीचे रीसेंट OTP का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से अपनी OTP को मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्ट योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद RBL बैंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी सिम डले हुए होंगे, जाहिर सी बात है दो सिम होंगे, तो जिसमें से वही सिम आपको सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है, उस वाली सिम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेरीफाइंग SMS, यानी कि ये कंफर्म किया जा रहा है कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस वो मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में डला हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट करेंगे और इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल सक्सेसफुली वेरीफाइड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जब आप इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहां पर आपसे एक पिन मांगा जाएगा। अब वो पिन आपको यहां पर सेट करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहां पर क्रिएट एम पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो 6 डिजिट का आपको वही वाला एम पिन टाइप करना है जो एम पिन आप अपनी RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग में सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एम पिन आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे टाइप कर देंगे तो इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं योर एम पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपको इस तरीके से एक मैसेज शो हो जाएगा। साथ ही साथ आप उसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रेट्स लेट गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देंगे तो हम दोबारा से इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक लॉगिन टू मोबाइल बैंकिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं लॉगिन टू मोबाइल बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर जो आपने अभी 6 डिजिट का एम पिन सेट किया था वही वाला सेम टू सेम एम पिन आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में पेज आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा और जो भी आपका RBL बैंक के अंदर बैलेंस होगा वो बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, FD या फिर RD कर सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कार्डलेस कैश विड्रो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ भीम UPI, मैनेज योर कार्ड और बिल पे, ये बहुत सारे इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अपने को यहाँ पर अब ये जान लेना है कि इसके अंदर हमें डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मैनेज योर कार्ड का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मैनेज योर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वीजा क्लासिक यहाँ पर जो है हमें डेबिट कार्ड मिल चुका है, यहाँ पर नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आपका नाम भी मिल जाएगा, साथ ही सेविंग अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने कार्ड का यहाँ पर क्लिक करके अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सिक्योरिटी सेटिंग, कार्ड को अनब्लॉक करना है, ब्लॉक करना है या फिर कार्ड को ब्लॉक करना, ये यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका फिजिकल डेबिट कार्ड अगर अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर फिजिकल कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका कार्ड शो हो जाएगा जो आपके घर पर सेंड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर डेबिट कार्ड इशू करने का चार्ज यानी कि 250 रुपये प्लस 45 रुपये GST, टोटल आपको 295 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसका फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस शो हो जाएगा और इसी एड्रेस पर डेबिट कार्ड आपका सक्सेसफुल सेंड किया जाएगा। आप अगर डेबिट कार्ड आपको ऑर्डर करना है तो आप इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देंगे और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुल आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हमको अभी डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं करना है, ऑर्डर नहीं करना है, तो हम इसके होम पेज पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल में बता दिया कि आप RBL बैंक की मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ना तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आप RBL बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।